हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर लेवल्स एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर लेवल्स एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट में डिटेल पढ़ेंगे। कुछ जनरल तो मैंने आपको पॉइंट्स लास्ट में बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर हमने डिस्कस किया था, उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग। उसका पहला हेडिंग है मैनेजमेंट एज एन आर्ट और अ साइंस। ये जो टॉपिक है आपने ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, वहां आपने पढ़ा है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। दोनों एस्पेक्ट्स पे मैनेजमेंट दोनों ही कंसीडर करी जाती है, आर्ट भी और साइंस भी। दोनों के साथ आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था। पहले तो आर्ट का मीनिंग क्या है, आर्ट होता क्या है, फिर मैनेजमेंट में आर्ट कैसे आपने, फिर साइंस का मीनिंग क्या होता है और साइंस के रूल्स कैसे मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल है। लास्ट में उस बात का कंक्लूजन कि दे बोथ आर इक्वली कंसीडर्ड एज एन आर्ट आल्सो एज अ साइंस आल्सो। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। आर्ट होता क्या है, आर्ट होता क्या, व्हाट इज एन आर्ट, वो कहते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मैनेजमेंट। आर्ट इज द स्किल इन परफॉर्मेंस, अपनी पर्सनल स्किल किसी परफॉर्मेंस में लगाने को क्या कहा जाता है, आर्ट। इट इज अ स्किल और एबिलिटी, एक स्किल है एक एबिलिटी है जिसको आप एक्वायर कर सकते हो, कैसे, एक्सपीरियंस से या कोई पढ़ाई करकर या कोई ऑब्जर्वेशन से। अब लड़कियां, आप लोग घर में चपाती बनाना सीख जाते हो, कैसे, अपनी मम्मी को ऑब्जर्व कर करके, मदर को ऑब्जर्व करके आपको चपाती बनानी आ जाती है, सब्जी बनानी आ जाती है। और आप कुछ चीज़ें अपनी एजुकेशन से सीखते हो, मान लो आपने ड्राइंग करना अपनी आर्ट से पढ़ाई करी वहाँ से सीखा, तो वो एक आर्ट होगी। जो आप किसी एक्सपीरियंस से या किसी स्टडी से या ऑब्जर्वेशन से जिस चीज़ को आप एक्वायर कर सकते हो उसको आर्ट कहा जाता है। बेनार्ड कॉल्स इट अ बिहेवियरल नॉलेज, ये एक बिहेवियर की नॉलेज है। इट इज द नो हाउ व्हिच टीचेस अस हाउ टू डू द थिंग्स। ये एक ऐसी एस्पेक्ट है कि एक रियल लाइफ सिचुएशन में किसी सिचुएशन को कैसे डील करना है, उसको आर्ट कहा जाता है। ठीक है, कास्टल ने कहा आर्ट एक सिस्टमेटाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल है, नॉलेज है जिसको डिजायर रिजल्ट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। तो 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज आर्ट। ठीक है, फिर अब आपके डिटेल्स में वो पॉइंट कह रहा है कि कीपिंग इन व्यू नेचर आर्ट को समझकर, आर्ट क्या चीज है, आर्ट के नेचर को समझकर मैनेजमेंट पर वो कैसे कैसे एप्लीकेबल है। सबसे पहला, मैनेजमेंट में भी एप्लीकेशन ऑफ स्किल एबिलिटी है, स्किल की एबिलिटी लगाते हैं। मान लो मेरे पास पर्सनल कोई एबिलिटी है, मैं कुछ कर लेती हूँ ऐसा स्पेशल, तो वो मेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल्स एंड एबिलिटी टू ट्रांसलेट नॉलेज इन टू प्रैक्टिस। मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि उसमें भी स्किल और एबिलिटी चाहिए, चाहे मैनेजर इसके लिए यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को यूज़ करके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल स्किल है। ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल स्किल, इट इज़ बिकॉज एवरी मैनेजर हैज़ टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल, इसलिए क्योंकि रियल सिचुएशन में, सिर्फ थ्योरी तो नहीं पढ़नी ना, रियल सिचुएशन में भी उसको अप्लाई करना है इसलिए, राइट। देन है क्रिएटिव स्किल, ये क्रिएटिव आर्ट है क्योंकि एवर चेंजिंग सिचुएशंस हैं, बिजनेस डील्स की रोज रोज नई नई सिचुएशंस आ जाती हैं, उनसे डील करना है, उन सबको डील करने के लिए एक जजमेंट हमारी स्किल की स्ट्रांग हो कि नया सा एक आइडिया अप्लाई करके हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। तो क्रिएटिव स्किल भी आगे क्रिएटिविटी है, नए तरह के आइडियाज को लगाना। देन है पर्सनल पोजेशन, लाइक एनी अदर आर्ट मैनेजमेंट स्किल इज ऑल्सो पर्सनल पोजेशन, पर्सनली होती है हर किसी के पास में, देयरफॉर ही कैन यूज एंड डेवलप। क्योंकि मानो मेरे को मेरी पर्सनल आर्ट है, ये मेरे को एक ड्राइंग करनी आती है तो वो किसी और को नहीं आती, वो पर्सनली पोजेस कौन करती हूँ, मैं करती हूँ। नेक्स्ट इज पर्सनल स्टाइल, स्टाइल भी ये पर्सनल होता है। ठीक है, आर्टिस्ट अपना अपना स्टाइल होता है, हर आर्टिस्ट का, चाहे ड्राइंग वो सब कर रहे हैं लेकिन कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कलर्स को कैसे यूज करता है, कोई कैसे कर रहा है। नेक्स्ट इज नो फूल प्रूफ प्रिंसिपल्स, जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो हैं लेकिन ऐसे फुल प्रूफ नहीं है कि एग्जैक्ट उनका है, आर्ट में भी वही चीज़ है। फिर है परफेक्शन बाय प्रैक्टिस, परफेक्शन कैसे आती है, प्रैक्टिस कर करके।
वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी वही चीज है। मानो मैं ये फूल ड्रॉ कर रही हूँ, एक दिन कैसा बन गया, मैं रोज कर रही हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनने लग जाए, है ना। फिर है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, लाइक एनी अदर, आप नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो वैसे ही। नेक्स्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगाते हैं किस लिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स को लेने के लिए। अब ये था कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, अब हम पढ़ेंगे व्हाई मैनेजमेंट इज साइंस। साइंस क्या है, साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज किसी सब्जेक्ट के ऊपर, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को साइंस कहा जाता है, जहां पर साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है। अ साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस की हर रूल में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, किस चीज की वजह से ये चीज हुई और इसका इफेक्ट वो क्या देकर जाएगी, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस के अंदर होता है। पहला वो एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, जिससे होता क्या है, प्रिडिक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं या रिजल्ट निकालते हैं किसी बात का, ठीक है, अल्टीमेट एंड निकाल देते हैं। तो ये तीन रीजंस है बेसिक, ये साइंस है। अब साइंस मैनेजमेंट पर कैसे एप्लीकेबल होती है, सबसे पहला मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, देयर आर वेल डेवलप्ड प्रिंसिपल्स थ्योरीज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, दे कैन बी यूज इन परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब के में आप इनको यूज कर सकते हो। दूसरा यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, अलग अलग चीजें पढ़ी हैं, इन सबसे होता क्या है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो साइंस एक साइंटिफिक मेथड था और मैनेजमेंट में वो एप्लीकेबल है। थर्ड इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, साइंस के प्रिंसिपल भी सब जगह एप्लीकेबल होते हैं और मैनेजमेंट के भी। आपने ये पॉइंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट में शुरू में भी पढ़ा था कि इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। फोर्थ है जो मैंने आपको पढ़ाया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है साइंस में, तो वैसा रिलेशनशिप हमेशा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी होता है। जस्ट लाइक एनी अदर साइंस, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स में भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। फॉर इंस्टेंस हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज एंड हाई प्रोडक्टिविटी, मानो अगर एम्प्लॉयज को हम बूस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, इस चीज की वजह से किया उसका इफेक्ट ये हमको मिल गया, राइट। नेक्स्ट इज वेरीफिएबल नॉलेज, लाइक एनी अदर साइंस इन नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी टेस्टिफाइड, जैसे उनको वेरीफाई और टेस्ट किया जा सकता है उन प्रिंसिपल्स को, वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सारे प्रिंसिपल्स को टेस्ट करो आप, बिल्कुल एप्लीकेबल रिजल्ट्स ये देकर जाएंगे। लास्ट पॉइंट इज प्रिडिक्टेबिलिटी, मैनेजमेंट साइंस कैन ऑल्सो सर्व एज अ रिलायबल बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, जैसे वहां पर प्रिडिक्शन किया जा रहा था साइंस में रिजल्ट ओरिएंटेड थी, वैसे ये भी प्रिडिक्टेबल फ्यूचर के इवेंट को मैनेजमेंट भी निकालती है, ठीक है। अब उसने कहा नेचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, साइंस को तो आगे हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक तो प्योर साइंस और इनएक्जैक्ट और अप्लाइड साइंस। ये कहता है द प्रिंसिपल ऑफ एग्जैक्ट और प्योर साइंस तो जो हो गए फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, ये सब स्टेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है बिना लिमिटेशंस के, उन सब में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है। मोरओवर द रिलेशनशिप डज नॉट चेंज, ना प्लेस के साथ ना टाइम के साथ। फॉर इंस्टेंस टू यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन और एक यूनिट ऑफ ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बन जाता है, कहीं मर्जी बना लो आप, बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ इनएक्जैक्ट और अप्लाइड साइंस, सच एज इन केस ऑफ मेडिसिन, द रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइड साइंस में अलग रहते हैं। प्योर साइंस में रिजल्ट्स फिक्स रहते हैं लेकिन इनएक्जैक्ट साइंस के अंदर नहीं। तो वो क्या कह रहा है, इन सब बातों को सोचकर मैनेजमेंट कैन बी रिगार्डेड एज अ प्योर साइंस। पीटर ड्रकर ने कहा कि मैनेजमेंट कैन नेवर बी एन इनएक्जैक्ट साइंस, नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस है, लाइक फिजिक्स मैनेजमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स की तरह। इट मे बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ अप्लाइड और इनएक्जैक्ट साइंस, मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स प्रेफर टू कॉल इट सोशल साइंस, और इसको सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस
बिहेवियरल साइंस कहा जाता है. फाइन, इट इज कंसीडर्ड एज प्योर साइंस. इन एग्जैक्ट साइंस नहीं. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट एंड साइंस, इसका कंक्लूजन है. आपने उसको, मैं मैटर आपको सेंड कर रही हूँ, आपने उसको रीड करना है. थैंक यू फॉर टुडे.